हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिनाइल इम्प्लांट के बारे में। हम फिनाइल इम्प्लांट के बारे में पहले भी बहुत वीडियो बना चुके हैं। बेसिकली बहुत से पेशेंट्स फिनाइल इम्प्लांट के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलत फहमियां हैं, उसके बारे में आज हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। हम जनरल फिनाइल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, मैलेबल फिनाइल इम्प्लांट। तो इसको करने के बाद क्या होता है, बहुत से लोगों में ये रहता है कि क्या इसको करने के बाद पेनिस की शेप बिगड़ जाएगी, या पेनिस में जो हमारी इरेक्शन है वो कैसी होगी, पार्टनर को क्या फील होगा, हमें क्या फील होगा। तो इसी बारे में सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम नॉर्मल सेक्स करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेजेस होती है, किस तरह से नॉर्मल सेक्स होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है सेक्स करने से पहले लिबिडो इंक्रीज होना। लिबिडो इंक्रीज, लिबिडो का क्या है, सेक्स करने का मन करना। वो किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, वो टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट होता है। पेशेंट के यूजुअली टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं कि पेशेंट का अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है तो उसकी लिबिडो भी ठीक ही रहेगी। ज्यादातर पेशेंट्स इनका फिनाइल इम्प्लांट हो रहा होता है तो उनका हम जब टेस्टोस्टेरोन करते हैं या वो नॉर्मल रेंज में होता है तो उनकी लिबिडो ठीक ठाक होती है, उनका सेक्स करने का मन होता है, लेकिन वो सेक्स कर नहीं पाते। फिनाइल इम्प्लांट के बाद भी उनका सेक्स करने का मन वैसे ही रहेगा जैसे इम्प्लांट करने से पहले होता है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात इसमें यह होती है कि उसको करने के बाद अराउजल कैसे होता है कि सेक्स करने के बाद आपका मन तो किया, जब आप सेक्स करने लगे तो आपका धीरे धीरे पेनिस में ब्लड सप्लाई का बढ़ना, आपकी दिल की धड़कन का तेज होना, फेस पे ब्लड सप्लाई का बढ़ना, इन सबको अराउजल कहा जाता है। वो भी क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, आपकी नर्व सेंसेशन से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि जब हम फिनाइल इम्प्लांट करते हैं तो पीछे पिनोस्क्रोटल जंक्शन पे, मतलब पेनिस और स्क्रोटल के जंक्शन पे कट लगा के करते हैं, तो वहां पे इतनी नर्व सेंसेशंस नहीं होती, एक लीनियर कट होता है, तो नर्व्स को कोई किसी तरह की डैमेज नहीं होती। ग्लैंड्स पेनिस पे, यानी पेनिस की जो ऊपरा टोपी होती है उस पे ज्यादातर नर्व सेंसेशंस होती है, उनको बिल्कुल टच नहीं किया जाता। तो अराउजल जो है, और आपकी सारी बॉडी से अराउजल आता है, आपके फेस से आता है, आपके निपल से आता है, आपकी इनर थाई से आता है, सारी जगह से आते हैं, तो वो ऐसे के ऐसे फिनाइल इम्प्लांट के बाद मेंटेन रहते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का सेक्स करने का मन हुआ, लिबिडो, फिर उसको सेक्स करने के लिए तैयार हो गया, अराउजल हो गया। अब उसके बाद पेनिस की एंगोजमेंट, मतलब पेनिस बड़ा होगा, एनलार्जमेंट होगी। तो बहुत से पेशेंट जिनमें वीनस लीकेज है, मान लो मेन रीजन वीनस लीकेज है, या बहुत सीवियर साइकोजेनिक ईडी है जो कि मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा, या आर्टेरियोजेनिक ईडी है, ब्लड फ्लो है लेकिन कम है, उसमें जब हम इम्प्लांट डाल देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है, पेनिस की ब्लड वेसल्स जो है, वो जो की तो मेंटेन रहती है। तो पहले भी अगर बहुत से पेशेंट जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम सेक्स तो कर, हमारा मतलब पेनिस में इरेक्शन तो आ जाती है लेकिन सेक्स करने वक्त बैठ जाती है। तो ऐसी इरेक्शन मेंटेन रहेगी इम्प्लांट डलने के बाद भी, यानी अगर आपके पेनिस में इरेक्शन आती थी, ग्लैंड्स बड़ा होता था, तो वो मेंटेन रहेगा, वो ऐसे ही बड़ा होगा, ऐसे नहीं कि उसके बाद उसमें इरेक्शन आना बंद हो जाएगी, इरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि इरेक्शन को करने वाली ब्लड वेसल्स को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। तो हमने तीनों चीजें देखी कि हमने अभी तक किसी भी चीज में इम्प्लांट डालने के बाद ना लिबिडो में, ना अराउजल में, ना पेनिस की एनलार्जमेंट में इम्प्लांट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज में पड़ता है, हार्डनेस में। जो पहले पेनिस में हार्डनेस नहीं आती थी वो हार्डनेस आने लग जाएगी। हार्डनेस क्यों आने लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इम्प्लांट डला हुआ है। किसी भी अंदर के अंदर आपने एक सॉलिड चीज डाल दी जो कि फ्लैसिड हो जाती थी बीच बीच, मतलब नीचे की ओर झुक जाती थी, उसके अंदर आपने सॉलिड इम्प्लांट डाल दिया तो वो खड़ा रहेगा, तो हार्डनेस आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तीनों चीजें सेम रही, हार्डनेस इंप्रूव हो गई। उसके बाद रही बात करने के बाद क्या होता है इजेकुलेशन की, आपने किया सेक्स टाइमिंग कितनी बढ़ेगी और इजेकुलेशन क्या होगा। देखिए ऐसा है, हमने ऐसा देखा है कि जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो पेशेंट बड़े एक स्ट्रेस में होता है, उसका माइंड रिलैक्स नहीं होता, वो जल्दी जल्दी सेक्स करने की उसको एक टेंशन रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका पेनिस बीच में ही बैठ जाए, तो इससे अवॉइड करने के लिए वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज कर देता है या इजेकुलेट कर देता है। तो ऐसे केस में अगर हम इम्प्लांट डाल देते हैं तो इम्प्लांट ये सुनिश्चित करेगा धीरे धीरे विद टाइम पेशेंट का माइंड रिलैक्स हो जाएगा, उसे डर नहीं रहेगा कि उसका पेनिस बीच में ही बैठ जाएगा,
और उससे उसकी टाइमिंग इंक्रीज हो जाती है। हालांकि मैंने पिछले एक दो वीडियो में ऐसे केस डाले हैं जिन्होंने इम्प्लांट करने के बाद भी इनकी टाइमिंग नहीं बढ़ी है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि अगर आपने इम्प्लांट डाला हुआ है, आप दोबारा इम्प्लांट सेक्स करने के लिए तैयार हो सकते हैं थोड़ी देर में, और दोबारा सेक्स करेंगे तो टाइमिंग बढ़ ही जाएगी। हालांकि एक दो पेशेंट मैंने दिखाए थे जिनमें हमने फिलर डाला था ग्लैंड्स पेनिस में इम्प्लांट के बाद, और पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन फिर भी ये माना जाता है, वो उसकी ट्रीटमेंट हम नहीं कहेंगे, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, हम ये मानेंगे कि ज्यादातर केसेस में फिनाइल इम्प्लांट करने के बाद सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाती है। और बहुत से लोग वरी करते हैं कि क्या फिनाइल इम्प्लांट करने के बाद उनके बच्चे होंगे या उस बाप बन पाएंगे। तो बिल्कुल बन पाएंगे, बल्कि ज्यादा अच्छे से। पहले तो सेक्स नहीं कर पा रहे, आप अब अच्छे से सेक्स करोगे, अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट होगा वजाइना में, और जो स्पर्म की क्वालिटी है वो तो टेस्टिस पे डिपेंडेंट होती है, आपके अलग अलग हार्मोन्स पे डिपेंड होती है, उससे पेनिस का कोई लेना देना नहीं होता, तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इम्प्लांट करने के बाद आप, मैंने आपको बताया कि जो सेक्स करने की प्रक्रिया है वो सारी सेम रहती है, कुछ चीज में इंप्रूवमेंट होती है, जैसे प्रीमेच्योर इजेकुलेशन में इंप्रूवमेंट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिनाइल इम्प्लांट कहाँ पे काम करता है, हार्डनेस देने पे काम करता है। बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि उनकी सेंसेशन कम हो जाएगी, क्या उनको वैसे ही फील होगा, आपको भी आपके पार्टनर को भी वैसे फील नहीं, उससे बेटर फील होगा इम्प्लांट कराने के बाद, सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच जाती है। आई होप मैंने जो आपको बताया उससे आपके जो मन में डाउट हैं वो क्लियर किए होंगे, कुछ हो गए होंगे। लगातार आप हमारे वीडियो देखते रहें, इसमें हम हमेशा पेशेंट्स जो सेक्स में किसी तरह से आहत होते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम होती है, उसके वीडियोस बनते रहते हैं, उनके रिव्यूज आते रहते हैं। तो आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि महीने में एक दिन लखनऊ में भी अवेलेबल होता हूं, वैसे हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है। तो आपने टाइम दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।